It's a piece of paper, not a piece of cloth. So, assalamu alaikum, good morning. Okay, so assalamu alaikum. ईद मुबारक बच्चों, और ईद के बहुत बड़ी बड़ी ईद के बड़ी खुशियां और बड़ी चीजें, और मेरा बड़ा मुंह और बड़ा कैमरा और बड़ी ऐनक. खैर, ये जो कुर्ता है ना जो मैंने पहना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है. सबसे जो वर्स्ट तरीन ईद रही है ना अब तक की, वो ये वाली ईद रही है. एंड इट्स द वर्स्ट, क्योंकि ना बकरा, ना बकरे की, ना ईद की नमाज पढ़ी. मैंने कपड़े वो वाले पहने हैं जो मैंने पुराने पहने थे. एंड इस जो कुर्ता है, इसके पीछे कहानी है. इट्स अ वेरी खूबसूरत जजमेंटल किस्म की कहानी. जितना जज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, बाकी स्टोरी मेरी है तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसे सुना रहा हूँ. अच्छा, तो कहानी ये है कि मैं एक अदद जब ऑफिस में होता था, हैंग आउट में, जहाँ मैं हैंग आउट करता था ऑलरेडी. अच्छा, तो हम दो दोस्तों ने डिसाइड किया था, दो तीन दोस्तों ने डिसाइड किया था कि हम शलवार कमीज इतनी नहीं पहनते. हम सब लाइक नॉर्मल जीन्स वगैरह पहने होते हैं, काफ़ी हम वेस्टर्न ईस्टर्न लाइक पेंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, हम कुर्ता वगैरह नहीं पहनते. सो आई टोल्ड देम कि लेट्स, अगले दिन फ्राइडे है तो हम ना ऐसे करते हैं कि हम कुर्ते वगैरह पहनते हैं, तो लाइक शलवार कमीज पहनते हैं, ठीक है. एंड दे वर लाइक ना, वो ठीक है. नेक्स्ट डे आया तो मैंने कहा हू केयर्स, किसी ने मेरी सुननी तो है नहीं, कोई मेरी सुनता तो वैसे भी नहीं है. तो मैं चला गया नॉर्मल, जो मैंने कल कपड़े पहने, मतलब पिछले दिन कपड़े पहने थे, जो पेंट शर्ट थी, स्वेट शर्ट थी, आई डोंट नो. एंड वो आए और उन दोनों ने शलवार कमीज पहनी हुई थी. एंड वो मेरे पे गुस्सा आ रहे थे कि डूड यू आर द वन हु सेड कि ये ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने कहा तुम लोगों ने कन्फर्म बोला नहीं था और अब तो कुछ नहीं हो सकता. खैर, मुझे अंदर अंदर गिल्टी हो रहा था ना, वॉज लाइक शिट मैन. खैर, उसी दौरान आई कॉल्ड माई फ्रेंड कि अगर उसके पास कोई शलवार कमीज है और फलाना अपना, लेकिन ऑब्वियसली मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसकी इतनी हाइट है, इतनी फिजीक है. सो हुआ ये कि फिर आई डिसाइडेड कि वाई नॉट, घर जाते हैं और कुर्ता उठा लेते हैं. बट मैंने कहा घर जाऊंगा मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं गया वहाँ से सेंटोरस, सेंटोरस से मैं पूरे सेंटोरस में फिरा और विद इन लाइक आधे घंटा और समथिंग मैं हर शॉप में गया जहाँ मुझे ग्रीन समथिंग मिल जाए. एंड फाइनली मुझे फिर ग्रीन समथिंग मिला अलमीरा से, मतलब मैं शौकी नहीं हो रहा, मैं वैसे बता रहा था. और वहाँ से मैंने कुर्ता लिया और मैं वापस डायरेक्ट आया. एंड दे वर लाइक ओह माय गॉड ही इज क्रेजी. नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, किसी ने घास भी नहीं डाली थी, बट मुझे वो बड़े मज़े का लगा था अपना आप. एंड आई थिंक इट्स रियली स्वीट कि मैंने एक बात को अपनी रखने के लिए या उनकी बात को रखने के लिए, क्योंकि दे वर समवट अपसेट. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ये कुर्ते पहने, कपड़े पहने, कपड़े खरीदे और मैंने पहने. सो मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये इसकी कहानी ये, वरना शर्मे से कपड़े कभी भी ना लेता. नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एज एस ट्रेलर्स की इसका नाड़ा बड़ा फैंसी है, मैं नाड़ा दिखा सकता हूँ. लाइक इट्स अ पीस ऑफ पेपर, नॉट अ piece of cloth, so it doesn't really matter. So like dekho zara, it's like main wo nahi dikha raha jo aapko lag raha hai, ye dekho idhar se dikha raha hu, it's like it's just a piece of like cloth, you know. So just me all you can man, but Eid Mubarak bros. Nahi, unko Eid Mubarak nahi keh sakte, wo hoti hui musalman bhi hote hote unko. It's really 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 hot. Eid Mubarak bitches. Don't say bitches, yeah. Why would you say that? One thing for sure, this is the worst Eid ever. अगली ईद पे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, 2021 के साथ बहुत उम्मीदें हैं. प्लीज प्लीज बी नाइस. एंड आई रियली वॉन्ट के ये जो 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 शेड है जिसने हमें इतना पैरानॉइड किया हुआ कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम घर में नहीं बैठ सकते, हम घर में बैठ के भी चीज़ें नहीं खरीद सकते, चीज़ें खरीद के भी हम चीज़ें नहीं खरीद सकते, हम रिलैक्स नहीं, हम पैरानॉइड है. अरे वैसे इतना पैरानॉइड है, मैं हाथ धो धो के तंग आ गया. मैं वैसे इतना हाथ धोता हूँ तो मैं Dude, please be nice. Not like God, please. Rehm, thoda sa. Thank you. Or yeah.